राकेश भैया सिंगर जी, सिंगर राकेश राजपूत जी ग्राम लोधीपुरा, आइए श्रवण करें। बोलिए दुल्हा सरकार की। कोई नहीं बोल रहा, देख रहे हैं आप लोग, दूल्हे सरकार की झांकी लगी हुई है। सर्वश्रेष्ठ झांकी दूल्हा झांकी, और वैसे भी धनुष यज्ञ की लीला में इस झांकी का बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। और वैसे जब किसी के घर में कोई दूल्हा सस्ता है तो सबसे पहले उस दूल्हे की निछावरी होती है। आप सभी लोग जानते हैं, भाई बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आप सभी लोग आमे, थोड़ी देर के लिए आप लोगों को समय दिया गया है यहाँ पर दूल्हे सरकार की निछावरी के लिए। तो आप लोग आवे और दूल्हे सरकार की निछावरी आप लोग करें। सभी लोग आवे, हमारी माताएं बहनें भाई बंधु, हमारे जितने भी कमेटी के सदस्य हैं, हमारे डॉक्टर साहब और सभी लोग भाई, सभी लोग आवे और सुनते जाएं सखियों के भाव किस प्रकार से हैं। जैसा कि हमारी बहन ने बताया कि आप लोग मिथिलावासी हैं और व्यासपीठ से संकेत हुआ जनक जाति आप लोग कहीं कैसे सजन सगे प्रहला के जैसे, अर्थात सरकार आए तो थे अयोध्या से दुल्हा बनकर, परंतु हम सखियों ने इनके साथ मजाक किया, ठिठोली की, इन्हें घूंघट डाल दिया। और जब घूंघट पड़ गया तो जनकपुर के लोग मिथिलावासी सरकार को किस प्रकार अवलोक रहे हैं, देख रहे हैं, जैसे सभी के सगे संबंधी है। हर कोई नहीं पाना चाहता है, कोई पत्र रूप में, कोई पुत्र रूप में और कोई पिता रूप में। और ऐसा नहीं कि जिसने जैसा चाहा, जिसने जैसा मांगा, सरकार उसे वैसे ही प्राप्त नहीं हुए, प्राप्त भी हुए, क्योंकि कह दिया गया जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। और आप लोग मिथिलावासी हैं तो जितने भी मिथिलावासी हैं, सभी हैं, जितने भी आयोजक करता है और जिनके कुआं पूजन में ये कार्यक्रम हो रहा है, लीला का आयोजन हुआ है, तो बच्चे की मम्मी जी, बुआ जी, मामी जी, चाची जी, जो भी हैं, सभी लोग आए सरकार की न्योछावरी करें, बलाइयां लें। और क्योंकि आप लोग मिथिलावासी हैं, कहा गया अनब्याही हुलसी फिरे, सरकार के स्वरूप को देखकर अनब्याही हुलसी फिरे, ब्याही नी जे हाँ गौने की माने भई, देख रूप रघुना। ऐसे हमारी सरकार का स्वरूप है जिनका विवाह नहीं हुआ, ये देखो क्या बात है, ये भाव होना चाहिए। हाँ अरे भाई, ये मिथिलावासी सभी लोग आएंगे और मिथिलावासी हैं कैसे, कहा गया पूर्ण नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील है, ज्ञानी है, गुणवान है। हाँ नाम बताते जाएं सब लोग। हाँ नाम हो गो हमारे सम्मानी भैया जी की तरफ से, ये 11-11 पुष्पद्रव से सरकार की न्योछावरी की गई, बुलाइया ली गई। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद हमारे भैया जी को, और कांगी हमारे बच्चे की बुआ जी, चाची जी, मम्मी जी। हाँ मेरे मिथिला नगर में क्या बात, ये धारे दूल्हा भेष या तो यही उपासना,
चाहिए हमें बस बसंत को वंद नहीं मोहन कारो मन वशी बसंत को वंद नहीं मोहन कारो मन राम हमारो सावरो सुपूरण काल बसन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी माता जी को जिन्होंने माताओं बहनों की श्रृंखला से सर्वप्रथम सरकार की न्यौछावरी की बलाइयां ली। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। ऐसा पर मैं ना परूं कैसा जो जन्मी मर जा वर मैं ना परूं जो जन्मी मर जाए बर बर लूं श्री राम को। क्या बात है ये छोटी सी गुड़िया इसकी तरफ से भाई देखिए। अच्छा दोनों फूफा जी की तरफ से बुआ जी की तरफ से ये 51 पुष्प मुद्राओं से सरकार की न्यौछावरी की गई बलाइयां ली। इसमें बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल नहीं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि जाए कि ना जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी लोगों को आना चाहिए और भगवान की निछावरी करना चाहिए। आज हमारे मिथिला में भगवान दूल्हा बने हुए हैं। ये आपका और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम अपने राम जी को दूल्हे भेष में देख रहे हैं। तो भाई सुने किस प्रकार से जब दूल्हा सजता है तो हमारी माताएं बहनें गाया करती हैं। मैं तुमसे पूछूं बारे दुल्हा